हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कॉग्निएंट के इंपॉर्टेंट बिग अपडेट को लेकर। तो यहां बता दो फ्रेंड, C2C पोर्टल अभी डाउन टाइम आ रहे हैं सभी के, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आ रहे हैं जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी हाल में होने वाला है, और डिले इन ऑनबोर्डिंग। मतलब कि इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ बताने वाला हूँ, अभी तक इतने भी अपडेट्स देखने को आए हैं, तो वीडियो आप लोग इन तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड आपको मैसेज पर देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड इस तरह का आप लोगों को, फ्रेंड अभी आप लोग लॉगिन करते हो तो फ्रेंड आप लोग को जो यहाँ पर देखने को इस तरह का मिल जाएगा कि वी हैव प्लान डाउन टाइम ऑन 27 जनवरी, टाइमिंग 5 PM to 8 PM एज टी प्लीज प्लान योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। बता दो फ्रेंड ये जो आपका डाउन टाइम आता है, अगर आप लोग गूगल में सर्च करते हो, बेसिकली इसका मतलब ये होता है फ्रेंड ये आपका जो पोर्टल है वो अभी इंटरनली वो चीज़ों को अपडेट कर रही है। जिसका भी अभी मान लो जिस किसी का 28 जनवरी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अगर मे भी किसी का 27 जनवरी को होगा, फिर मोस्ट ऑफ द लोगों का जो 28 जनवरी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो बेसिकली ये आपका जो पोर्टल है फ्रेंड ना, वो पोर्टल जो आपका है वो अपडेट हो रहा है। ओके, सो दिस मीन्स बेसिकली इस पर कोई डरने की बात नहीं, इट्स जस्ट इंडिकेट दैट योर लाइक द डेटा जो भी आपका यहाँ पर सेव वगैरह है, जो भी आपका पोर्टल है वो बेसिकली अपडेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का शो करेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे मुझे मेल जस्ट अभी आए थे कि सर मेरा पोर्टल में कुछ इस तरह के शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बता दूँ, इसका मतलब बेसिकली आपका जो पोर्टल है वो अपडेट हो रहा है और वो डाउन टाइम में है, इंटरनली सर्वर में काम चल रहा है। ओके, तो फिर ना जब दिखा दो फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जब आप लोग का जो ज्वाइनिंग होता है ना, तो आपका ज्वाइनिंग इसमें इस तरह का मेल आता है, ठीक है, जिस तरह आपका मेंशन किया हुआ रहेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन किया हुआ रहेगा, इधर आपका 28 जनवरी है या फिर 19 जनवरी है, और यहाँ पर आप लोग से बोला जाता है कि आपको जो है बेसिकली आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट करना होगा। जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो फिर उसके बाद फिर आपके सामने जो है कुछ इस तरह का मेल देखने को आता है, कॉग्निएंट ऑनबोर्डिंग प्री ज्वाइनिंग फॉर वर्क थ्रू फ्रेंड। ये बेसिकली आपका ज्वाइनिंग से जस्ट 1-2 दिन पहले देखने को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखने आते हैं जिनका 28th of जनवरी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उन सारे कैंडिडेट्स को फ्रेंड जो बेसिकली इस तरह का मेल देखने को आएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्री ज्वाइनिंग वॉक थ्रू है, मतलब बताया जाएगा आपको कि आपका किस तरह से होने वाला है, या फिर आपका कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गलती वगैरह है, तो आप लोग को इस सेशन में आपका जितने भी क्वेरीज वगैरह सब कुछ सुने जाते हैं, और काफ़ी कुछ आपको बताया भी जाता है कॉग्निएंट की तरफ से कि आपका जो फर्स्ट डे ज्वाइनिंग जो है ऑनबोर्डिंग वो कैसे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ फ्रेंड, आप लोग जब एक्सेप्ट करते हो ना फिर ज्वाइनिंग डेट को लेकर, तो फिर आप लोग कुछ इस तरह का शो करेगा देखने को। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ओके, ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग विद कॉग्निएंट इज 28th of January, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग बता दूँ, अगर आपका जो साइट है अगर वो डाउन टाइम में है तो इस पर कोई भी डरने की बात नहीं है, बिफोर 28th of January से पहले आपका जो है वो चीज़ आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी वेलिडेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा इस तरह का ऑप्शन शो करने को आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा हो। ओके, तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर आप पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 28th of January। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28th of January, और यहाँ BJP येट टू स्टार्ट, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज इन प्रोग्रेस, तो इस तरह का आप लोग फिर जो है बेसिकली शो करने को आएगा। फिर अगर आप लोग का डिले होता है इन दैट केस, तो फिर आप लोग को जो है बेसिकली इस तरह का मेल आपको आ जाएगा कॉग्निएंट OBC टीम की तरफ से, ऑनबोर्डिंग टीम की तरफ से, डिले इन ऑनबोर्डिंग सिंस योर ऑनबोर्डिंग पास हैज नॉट बीन जनरेटेड। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो बता दो, फिर रीज़न बता दूँ, आप देखेंगे, आवर इंटरनल टीम इज वैलिडेटिंग योर डॉक्यूमेंट, यू विल रिसीव योर ऑनबोर्डिंग पास एंड न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग शॉर्टली। मतलब कि बता दो फिर, मतलब अभी आप लोग अगर मान लो कि 28th जनवरी शो कर रहा है, या फिर आपका 19th जनवरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग था बट आपका नहीं हुआ है, तो ये आपका कॉग्निएंट के हाथ में रहता है, वो आपका कभी भी जो है डिले कर सकती है, और या फिर आपको एक न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी मेल सेंड कर सकती है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग में अगर उनको टाइम लगता है तो वो फिर आपको न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आपका C2C जो पोर्टल है ना, C2C पोर्टल में ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से फिर आप लोग जो है देख सकते हो अपने पोर्टल वगैरह में भी, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये डाउन टाइम शो कर रहा है ना, मे बी आपका जो ज्वाइनिंग 28th of January ही अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग नहीं हुआ, तो आपको फिर जो है बेसिकली आपका मेल आया कि डिले इन ऑनबोर्डिंग, आपको कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा कि आपका जो है ऑनबोर्डिंग में डिले हुआ है, डिले इन ऑनबोर्डिंग। ओके, तो इस तरह आपको मेल देखने को आ जाएगा कि आपका जो ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ। ऑनबोर्डिंग पास तभी जनरेट होता है जब आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिडेट हो जाते हैं और चेक हो जाते हैं। अगर वो डिले होता है तो आप लोग जो है न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग को 1-2 वीक के अंदर में आप लोग जो है फिर एक्सेप्ट लाइक मान सकते हो कि यस 1-2 वीक के अंदर में आपके 1-2 वीक के अंदर में आपके पास देखने को आ सकता है। तो फिर ये रहा पूरा प्रोसेस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आप लोग भी देखने को मिल सकता है फ्रेंड, ठीक है, अगर आपका उस दिन नहीं हुआ तो। ओके, देखेंगे, आवर इंटरनल टीम विल इज वैलिडेटिंग योर डॉक्यूमेंट, वी विल रिसीव योर ऑनबोर्डिंग पास एंड न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग शॉर्टली। ओके, तो यहाँ से इस तरह का आप लोग देख सकते हो। आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट ना,
अगर मैंने कोई डाउट रहा था आप लोग कमेंट करके या फिर आप मुझे टॉप में टाइप पर अपने स्लॉट को बुक करके मुझसे बात कर सकते हो, फिर अपने आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर अपने कोर्स वगैरह को पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग पास डिले होना एक जाहिर सी बात है कि सब कुछ कॉन्जन के पे डिपेंड करता है। किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है तो उनका डिले हो जाता है, कभी कभी किसी का डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी जो है इंटरनल प्रोसेस की वजह से उनका भी डिले हो जाता है, तो यहाँ पर डिले देखा जाता है। और ये बेसिकली आपका पोर्टल जो फ्रेंड अपडेट हो रहा है। ओके, द कॉग्निजेंट टीम इज अपडेटिंग योर पोर्टल। यहाँ पर कुछ भी आपको चेंजेस आ सकते हैं, मे भी आपको डेट ऑफ ज्वाइन 28 को ना होकर आगे आ जाए, तो इस तरह का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।